अच्छा तो ये बुल कौन से कंपटीशन में सेकंड नंबर पे रहा, पहले तो ये बताइए। ये नीलीरावी नस्ल में चार दांत में जो कंपटीशन है उसमें दूसरे नाम पर आया। ये कौन सी जगह कंपटीशन हो रहा है? ये पंजाब में धनौला सिटी है, वहाँ होता है बीएफए संस्था का, बीएफए फेलो फार्मर एसोसिएशन। अच्छा तो आप पहले तो अपने बुल है उसके बारे में बताइए कि कौन सी नस्ल है और कौन से कंपटीशन में ये फर्स्ट विनर रहा है। ठीक है, ये जी जो मेरा बुल है ये भी चार दांत है और ये नीली रावी ब्रीड है और ये चार दांत में फर्स्ट रहा है। उम्र क्या है इसकी? उम्र इसकी जी अभी 3 साल का है। 3 साल। हाइट वेट? हाँ जी। इसकी हाइट कितनी है? हाइट जी इसकी तकरीबन होगी जी 5 फीट। 5 फीट। हाँ। और इसका वेट? वेट इसका होगा जी तकरीबन 8.5 क्विंटल। 8.5। हाँ जी। अच्छा, इसकी माँ के बारे में और इसके जो पिता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए। हाँ जी, जो इसकी मदर है उसकी 3 बार मिल्किंग हो चुकी है, 2 बार उसकी मिल्किंग हुई है ब्लॉक लेवल में। तो ब्लॉक लेवल में उसकी जो मिल्किंग है, एक तो उसकी मिल्किंग है 22 प्लस की, एक 21 प्लस की, और लाइव में उसका जो दूध है वो है 20 प्लस। और जो इसकी बाप साइड से ये है सरकारी सीमन का है 113 नंबर 90 फार्म में। अच्छा, सिम्बल भी प्रोवाइड करा दो। हाँ जी, इसका सिम्बल है जो यहाँ पर अपने पास अवेलेबल है अभी। अच्छा, और जैसे कोई बाहर से इस वीडियो को बाद में देख के लेना चाहे तो? अगर कोई बाहर से सिम्बल लेना चाहे, अगर कोई ज्यादा मात्रा में उसको चाहिए होगा तो उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। क्या क्या प्राइस है सिम्बल की? इसका जो सिम्बल प्राइस है वो 250 रुपया है। 250 रुपये। हाँ जी। अच्छा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 9781910483। अच्छा, और एक बार अपन इसके पीछे से बात करते हैं। ठीक। तो थोड़ा नीली रावी के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि क्या वो रहती है, इसमें खूबी क्या रहती है और क्या पहचान होती है कि ये ओरिजिनल नीली रावी का? जो जी ओरिजिनल नीली रावी है उसके जो पांव है वो सफेद रंग के होंगे नीचे से, जैसे इसके 4 पांव जो नीचे से है वो सफेद रंग के हैं और मुंह में ये ऐसे व्हाइटनेस होगी और जिस इसकी आंखें हैं वो भी व्हाइट होगी और व्हाइट पूछ होगी और इसकी जो लात की ये लंबाई है ये कम होती है मुरा के मुकाबले। जो इसका पेट है वो बड़ा रहता है और जो इसकी टांगों की लंबाई है वो कम रहती है और पूछ भी थोड़ी बड़ी रहती है। हाँ, इसकी पूछ मुरा के मुकाबले ज्यादा बड़ी रहती है। अब क्या प्राइस है इसकी जो विनर है उसका क्या? वो जी अभी पता नहीं है, देखो क्या मिलता है वो नहीं पता अभी नहीं पता। हाँ। तो फाइनल यानी कल 4 तारीख को होगा ये जो? नहीं जी, कल 3 तारीख को ये फाइनल जो पता चल जाएगा क्या प्राइस मिलता है। वो जी प्राइस की बात नहीं है, ठीक है, तो जो फर्स्ट आ गया यही बहुत रहता है। यही बहुत है। आप यहाँ पे नाम के लिए आए हो? हाँ जी, नाम के चलो लिए। वीर जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई हो आपको, बधाई हो। नमस्कार भैया। नमस्कार। अच्छा जी। तो ये बुल कौन से कंपटीशन में सेकंड नंबर पे रहा, पहले तो ये बताइए। ये नीली रावी नस्ल में चार दांत में जो कॉम्पिटिशन उसमें दूसरे नाम पर आया। ये कौन सी जगह कॉम्पिटिशन हो रहा है? ये पंजाब में धनौला सिटी है, वहाँ होता है बीएफए संस्था का, बीएफए फेलो फार्मर एसोसिएशन। अच्छा, तो ये सेकंड नंबर पे रहा आपका? जी, दूसरे पर है। दूसरे? हाँ, सेकंड नंबर है। हाँ जी, सेकंड। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए, बुल के बारे में बताइए पहले तो आप। हाँ, इसका जो बाप है वो लाहौरी है। नाम बताइए पहले इसका। इसका नाम जुगनू रखा है। जुगनू, क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम रखा है जुगनू। हाँ जी, आपको बता, जुगनू एक वो होता है जो रात को चमक चमक, वही इसलिए रखा है, ये भी चमकता है पूरे गांव में। अच्छा, गांव में चमकता है। 2-4, 10-20 की पूरे बरनाला डिस्ट्रिक्ट में नीली रावी नहीं है सांड की। अच्छा, इसलिए जुगनू रखा है। जुगनू है के सबसे हटके, सबसे हटके मां सा बरनाला बंडा बहुत कट्टा नीली रावी, इसलिए रखा है। अच्छा, अब इसके माँ के बारे में और पिताजी के बारे में बताइए। इसकी जो मदर है उसके पहले ब्यांत में 17 किलो दूध दिया और दूसरे में 19 kg दिया और तीसरे ब्यांत में जो उसकी चवाई है यही इसी मेले में वो चवाई चल रही है, उसका जो रिजल्ट वो कल आ जाएगा। अच्छा, कल आ जाएगा। हाँ जी। इसके पिताजी के कौन थे? लाहौरी। लाहौरी जो हरियाणा CIRB में है और उसका लाहौरी का बाप है वो सूरज है, पप्पू संधू का, वो पंजाब में था। अच्छा, तो थोड़ा नीली रावी के बारे में बताओगे आप कि? हाँ, जितनी मुझे जानकारी है, पहली तो जो आँख है ये देखिए, ये मुरा खड़ा है, इसकी आँख देख लीजिए और एक तरफ ये देख लीजिए ना, आपको नीली है और जो साइड होती है वो पिंक रंग की होती है, जीभ होती है वो भी पिंक होती है और जो इसकी लात होती है टांग बोलते हैं ना, तो वो छोटी होती है और मोटी होती है और जो इसकी कमर है वो नीचे होगी और मुरा का थोड़ा स्ट्रेट होती है तो, और इसका जो पेट है वो भी बड़ा होता है। अच्छा, पेट भी बड़ा रहता है। हाँ जी, ये निशानी होती है और देखने में बहुत फर्क लगता है मुरा से। अच्छा, इसका वेट कितना है? नहीं, वेट नहीं किया, 3-4 क्विंटल तो होगा इसका। अच्छा, लंबाई है जी? लंबाई ये नहीं हम के बिना। अच्छा, आपने ये नहीं, ये हम कम देखते हैं ये। अच्छा, तो सरदार जी कैसा लगा आपको ये बुल? बहुत बढ़िया जी। हाँ,
तो और जो और किसान है उनको क्या कहना चाहोगे, उनको भी तैयार करना चाहिए ऐसे? ये है जी, तैयार करो जी, जानवर फिर ये हुआ जी, हैं बच्चे चंगे कम से लगन तैयार कर, मेहनत करोगे तो क्यों ना आपका भी आ सकता है फर्स्ट सेकंड। तो भैया आपको लगा था कि आपका सेकंड नंबर पे आओगे आप? हाँ लग रहा था, क्योंकि जो रिंग में बुलाए थे कोई इतनी तो दो तीन साल हो गए मुझे इसी लाइन में, तो परख होने लगती है। बाकी जो जज साहब है वो जो फैसला करते हैं वो निर्भर कर करते हैं, हमें मंजूर है जो फैसला करते हैं वो। तो ये कौन से नंबर पे रहा आपका बुल? ए फोर्थ पे। फोर्थ पे रहा है, अच्छा। तो कौन सा कॉम्पिटिशन था ये? नीली रावी फोर्थ दान दी। फोर्थ दान आता है, अच्छा। कितने महीने का हो गया ये बुल? ये साढ़े तीन साल। साढ़े तीन साल का, अच्छा। बहुत शांत है ये? हाँ जी शांत है, बहुत शांत है। अच्छा इसका वेट कितना है? इसका तकरीबन 6 क्विंटल। 6 क्विंटल, हाँ। और हाइट? हाइट इसकी होगी 5 फीट के। 5 फीट? 5 फीट के आसपास। अच्छा तो सिंबल प्रोवाइड कराते होगे आप? हाँ जी, नहीं सिंबल नहीं, डायरेक्ट क्रॉसिंग। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो नीली रावी में ये सबसे बड़ी पहचान होती है? हाँ जी, ये वाली ये, और नाक पे जो निशान होता है पूंछ पे वो भी बढ़िया रहते हैं, और आंखों में भी थोड़ी, आंखों में भी ब्राइटनेस होती है ये। तो इसकी माँ के बारे में, इसके पिता के बारे में बताओगे? इसका पिता बल्लू टू और इसकी माँ का 18+ दूध था, घर पे हमारे घर पे ही है। अच्छा 18+, हाँ, फिरोजपुर लाइन की है। अच्छा अच्छा, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है? कॉन्टैक्ट नंबर 9653619043। चलो धन्यवाद आपका, तो बहुत थैंक यू।